सभी को ठीक रहना चाहिए, तभी तो देश और देशवासी ठीक रहेंगे ना। पहले से ही ओवरटाइम चल रहा है आपका, अपनी दृष्टि बनाए रखें, तभी तो मैं ठीक रहूंगा। बन बटर चैंप, इतना लेट हो गया मैं? अरे बाप रे, टेल आ गया। आज ये डील क्रैक करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, भले ही 1% मिले तो क्या। हाँ बोलना, क्या हुआ? क्या यार, तुझे फोन कर रहा हूँ, तू उठा ही नहीं रहा है। वो क्यों पूछ रहा है बे? क्या हुआ? दोपहर में पीने के बाद बेहोश होकर सो गया था मैं। ये तो तू हमेशा ही करता है। मैंने सोचा कि सुबह हो गई है, इसलिए मैं बाहर आके पार्टी को जगह दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है। अबे रात है, तू क्यों याद कर रहा है यार? क्यों यार, कल तेरे साथ जो मैंने, क्या हुआ यार? वो मेरी माँ को पता चल गया यार। ठीक है। क्या बोल रहा है? ज्यादा बोल वचन मत दे, बोल वचन। दो ग्लास पी लेना फिर से। ठीक है, कहाँ मिलेगी शराब? आ जा वही पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे वाली दुकान, शराब पी के और अपनी बहनी का डांस देखते हैं। सुपर बूस्ट इज सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। यस। ए योगी, बोला अंग्रेजी दारू से बढ़िया अपनी ये देसी ताड़ी अच्छी होती है यार। हाँ, ताड़ी पी के बेनी का डांस देखेंगे तो मजा आ जाएगा यार। तुझे तो मजा आएगा ही, बाकी के काम के लिए इतना स्लो रहता है, इस काम के लिए इतना तेजी। हाँ, गुस्सा मत दिला यार प्लीज। तेरे गुस्से से मुझे क्या लेने देना, मुझे तो बेनी की कमर चाहिए। अरे यार, आज इस दुकान में बहुत सारे कस्टमर लग रहे हैं, आज इसमें पैसे का कलेक्शन मस्त होगा। ये देख, वाटर पी के खम्भे का नशा दिखा रहा है। सरकार का दुकान बंद होने के बाद भी पूरी रात बैठ के शराब पीने के लिए यहाँ आ जाते हो। एडवाइस देना बंद करो, पहले म्यूजिक ऑन करो। शराब पीने वालों के लिए पहले म्यूजिक बजेगा। इस बुढ़िया का पैर कबर में लटक रहा है, लेकिन इसकी अकड़ जाओ निकलो यहाँ से। पहले इस बुढ़िया पे उधारी लगाना। सही बोल रहा है, सही कह रहा है यार। आज तो पी के फुल गला भरने तक पियेंगे, रुक जा। ऐसा क्या चंदू? अरे देख, देखा तूने अपनी पहुंच कहाँ तक है? मुझे एक डाउट है, जब तू यहाँ आता है तो दिमाग तेज चलने लगता है। तुझे पीना है या नहीं पीना? दे नहीं रहा यार। ये ले। ए चंदू, मुझे देना एक ग्लास। ये ले पैसा। चीयर्स तो कर। ये शराब हम अपने जगह पे चल के पीते हैं। हे भगवान, हे महालक्ष्मी, हे काली मैया, हे दीपा शक्ति, हे सरस्वती माता, दुर्गा माता, हमें पैसा कमाने का अच्छा सा रास्ता दिखाओ। कमाने का अच्छा रास्ता दिखाओ माँ। चीयर्स। क्या कर रहा है यार? हजार दे ना। क्या कर रहा है? चखने के लिए क्या करूं सोच रहा था, पीना शुरू किया नहीं कि आके खड़ी हो गई। वेनी,
आज तू बहुत खूबसूरत दिख रही है, चल अपना जलवा दिखा। पेट पे नाचू क्या? जब से ये दुकान शुरू हुआ है तब से ही नाच रही हूँ मैं। एक दिन भी पैसा देकर नाचने के लिए कहा तूने? Excuse me, तुझे नाचने के लिए मैं क्यों पैसे दूँ? ए, तू चुप रहना। सुन विनी, दे दूंगा ना यार। योगी योगी देखना योगी, आज बिल्कुल भी पैसे नहीं है मेरे पास। मैं नाचती हूँ ना योगी योगी, तेरे मनपसंद गाने पे नाचूंगी। अरे सुन ना, रुक जा, चल मेरे साथ नाचना। शीला की जवानी पे नाचेंगे दोनों खूब। हाँ जा किसी और को देख, होटल में नाचने वाली यहाँ अकड़ दिखा रही तू। चलना, मेरा हाथ कह रही हूँ ना। ए कौन है बे तू? मैं ओरी छोरी सुन ले छोरी, आंखें हैं काली पर तू है गोरी। करती है तू बातें खट्टी, फिर भी लगती है तू मुझको मीठी। क्या करे दिल ये, ओ यार अरे बात माने ना, समझे कुछ भी ना। ओए होए भागरे भागरे भागों में भागरे, महक जाऊं मैं जो तू बोले रे। डाकरे डाकरे दिल में है डाकरे, आ जाऊं मैं जो तू बोले दे। ओरी छोरी सुन ले छोरी, आंखें है काली पर तू है गोरी। करती है तू बातें खट्टी, फिर भी लगती है तू मुझको मीठी। तू आजा साथ मेरे, तुझको मैं लेके चलूं यार, मुझको अपना ले। सारा जीवन तुझको दिया मान ले तू यार, मैं मुझको तो भाती है यार तेरी हर अदा। अरे रे 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 रे, ओरी छोरी सुन ले छोरी, आंखें है काली पर तू है गोरी। करती है तू बातें खट्टी, फिर भी लगती है तू मुझको मीठी। अजरे अजरे ठुमका लगा, अजरे अजरे नाच दिखा। हो बाबा रे बाबा रे, अजरे अजरे ठुमका लगा। हे अजरे अजरे नाच दिखा। रात में पास आऊं हो 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 हो, रात में पास आऊं मुझको तू बोले। कल यार सुबह हमें मुझसे तू मिल ले, ओ मेरे यार अब मुझसे तू मिल ले। हाँ ओ मेरे यार मेरी बात तो सुन ले। क्यों मुझको रोके बातों को टोके, रहूं तेरी होके कोई भी ना रोके। आ जाना मेरी जाना, बात तेरी मैंने माना, मैं तो मर जाऊंगा जो तूने ना पहचाना। तू तो है खिलाड़ी बन मत तू अनाड़ी, बात तू सुन मेरी मैं हूँ तेरी ये वादा। ओरी छोरी सुन ले छोरी, आंखें है काली पर तू है गोरी। करती है तू बातें खट्टी, फिर भी लगती है तू मुझको मीठी। सो गए
आसमां सो गई है सारी कब्रें भी। चलो मैं भी सो जाता हूँ। जब तक इंसान जिंदा रहता है दुनिया के नाक में दम करता है और मरने के बाद यहाँ आके सो जाता है। सब सोए पड़े हैं अपना सब कुछ छोड़ के। मैं भी सोता हूँ। क्या भगवान तुम भी ना? सब मरने के बाद आते हैं और मैं यहाँ जिंदा हूँ तभी आ गया हूँ। ये सब तुम्हारा किया जरा है। तुम मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मेरे पास पैसे आने दो, चंद्रमा पे घर बनाऊंगा। आने में इतनी देर क्यों हो गई? जरा माला दे बेटी। आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा ने लेट कर दिया। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, मुझे आज भी उनकी बहुत याद आती है। ऊपर वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम्हारी बेटियां भी तुम्हें बहुत याद करती हैं। इन्हें आशीर्वाद दो। हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. पापा केक कट करते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday dear Happy mama. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. शमशान घाट पास में हो तो अपने ही घर में सोने में डर लगता है। तू रोज वहाँ जाएगा तो कैसे चलेगा? माँ वो भूत थी या लड़की थी? दोनों एक ही है, ये ले और जाके नहा। तीन लोग थे माँ, एक बुजुर्ग आदमी और दो लड़कियाँ हैप्पी बर्थडे बोल रहे थे। ठीक है शाम को पंडित जी से तावीज बनवा दूंगी तेरे लिए। अरे रे रे। फोन तो हमेशा आता है लेकिन काम उल्टा ही होता है। बन बटर जैम देखते हैं। हाँ आ रहा हूँ बस रास्ते में। ये पैर से क्यों रैंग रहा है? ए सुंदरम बाहर निकल, तू रोज कुछ ना कुछ बोलता रहता है। कभी तूने एक महीने का किराया दिया है क्या? ये क्या तुझे फोकट में रहने की जगह दिख रही है? बोल, मैंने तेरे लिए बना के रखा है क्या ये घर? डंडेश्वर से ब्याज लेके घर बनाया है मैंने। इस मोटी को यहाँ से आउट हर महीने इतना सारा ब्याज हो जाता है जो मुझे अकेले भरना होता है। मैं यहाँ तुझसे बात कर रही हूँ और तू इधर उधर देख रहा है। याद आता है वो दिन जब मैंने तुमको पहली बार देखा था। देखते ही फिदा हो गया था। पहले तो इस बुढ़े को इस देश से बाहर कर। आज तो पैसे लाया है, स्कूल के बाद मस्ती करने के लिए चलेंगे। चल वो रातें खेलने भी जाएंगे। ठीक है, ये अभी तक यहाँ खड़ी होकर ड्राइंग बना रही है। हद है यार। गाते गाते तेरे जैसे कितनों को देख चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पे छुप कर खड़ी हूँ। कहाँ है मेरा किराया? कॉलर छोड़ो आंटी, एक डीलिंग के लिए जा रहा हूँ। डील हो गई तो सब सेटल कर दूंगा। ये और इसका रियल एस्टेट,
ऐसे ही पूरे गांव में आवारों की तरह घूमने वाला लड़का है तू। और तू ये सब रियल एस्टेट क्यों कर रहा है? तेरी माँ भाजी बेच के किराया और ब्याज भर रही है और तू क्या कर रहा है? बैठे बैठे खाने के अलावा कोई काम नहीं है तुझे? डील तो होने दो आंटी, 1% भी आया ना तो 7 लाख रुपए मिलेगा। अपना मुंह बंद कर और यहाँ से निकल। कल से मेरी तबीयत नहीं, कैसे कैसे लोग होते हैं जो आसमान पे घर बनाने की सोचते हैं। आप भी चलिए ना दीदी, जाकर दिखा देती हूँ। अरे भाई, पहले उधर जाते हैं फिर इधर आते हैं, फिर इधर से उधर जाते हैं, लेकिन उसके पहले चाय पी लेते हैं, है ना भाई? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। तुम लोग चलो भाई, मैं बाद में आता हूँ, ठीक है? पैसा नहीं तो अरे बोल रहे हो, तेरी बहन से मैं शादी नहीं करूंगा। गुस्सा मत करवा रहा हूं ना। क्या यार, इससे मैं दिवाली मनाने की सोच रहा था, तूने उसे भी भगा दिया। देख यार, अपनी जेब में पैसा नहीं है पर दुनिया की जेब में तो है। उधर देख, पार्टी मालदार है क्या? मालदार पार्टी है यार, एक बार हाथ डालेंगे मोटा माल हाथ लगेगा। करेक्ट, चल देख कमाल देखते हैं। नमस्ते भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाई, 6 स्पेशल चाय और 6 वड़ा, जल्दी। भाई भाई अभी चाय पिया था, मुंह धो के आया था ना। ओहो, ब्रश के क्यों आया कर भाई। हाँ भाई, चाय पी लो ना, कितने प्यार से बोल रहा है बात कही मेरे शेर ने। ये ले भाई। अरे आज क्या स्पेशल है? कोई खास स्पेशल नहीं है, आज अपने भाई का बर्थडे है। मुबारक हो। अच्छा अच्छा, तो इसके लिए पार्टी दे रहे हो? इसलिए पार्टी दे रहा हूँ। खाओ खाओ, दिखाओ जरा। अरे चचा, ये उल्टा पेपर क्या पढ़ रहे हो? हाँ, ऐसे पढ़ते हैं? क्या जमाना आ गया है? क्या छपा है अखबार में? धारावी में रोज कटेगी 8 घंटे बिजली। हाँ, क्या बोलते भाई, इस बिजली कटौती से मुक्ति कब मिलेगी? बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ, एक कुल्लम करके फ्री की चाय पी के ज्ञान मत बांट, समझा? अपनी शक्ल देखिए, बीएमसी की जैसी है, बात करता है। मैं बीएमसी की तरह दिखता हूँ? बीएमसी की तरह बोला? क्या बोला? अरे तुझे ही देख के बोल रहा हूँ। बताना, मैं बीएमसी की तरह दिखता हूँ? बीएमसी वाला हूँ, बताना आप चुप क्यों है? बता मुझे, बता मेरी शक्ल कैसी है? तुझे लगता है मैं फोकटिया हूँ, फोकट में चाय पीता हूँ? अभी रुक, कितना हुआ चाय का? ये लो, अब तुम लोग पियो फोकट की चाय, मैं जा रहा हूँ। करोड़पति खानदान से बिलोंग करता हूँ मैं। इस गांव में इतने चालाक लोग हैं, अपना धंधा बराबर चलेगा। जो काम करना है करने चले। रुक जा, अभी खत्म नहीं हुआ। वेलू भाई, बाकी पैसे देने की बात मत भूलो, निकालो 40 रुपए। ये ले भाई तेरे बाकी के पैसे। तेरे साथ यही करना चाहिए, ये सड़े हुए बड़े को कितने लोगों को खिलाएगा? बहुत मेहनत करने पे ये पैसे हाथ में आते हैं। मैं हूँ भाई वेनू, मैंने तुम्हें 2 जगह दिखाने के लिए बोला था, दिखाए क्या भाई? हाँ भाई हाँ, जगह दिखा देता हूँ, पार्टी से मिलने के बाद आपसे मिल लूंगा। ये लो भाई, चलना पार्टी को जगह दिखानी है, फोन करके पूछना उसके पास कोई जगह है क्या। पूछ लेता हूँ। बोलना यार, पार्टी का रेट ओके है ना, लेकिन फुल अमाउंट डीडी में चाहिए, डीडी लाने को बोलना उसे, तभी जगह दिखाऊंगा। अरे छोड़ना यार उसे, वो 0.5% कमीशन पहले से ही दे रहा है। ठीक है, मैं वहीं आता हूँ। ठीक है, आज एक डील फाइनल हो ही जाएगी, सच कह रहा हूँ। थोड़ी देर में। हाँ ठीक है, डन। क्या हुआ? अरे पीएस के गार्डन में तो ग्राउंड खाली है, वेनू को लेकर तुरंत वहाँ चलते हैं। अरे सुनना यार, हम जब भी जगह दिखाने जाते हैं तो पैदल जाते हैं, कार में नहीं जाते हैं। कार में जाने से इम्प्रेशन पड़ता है, इस बार कार में जाएंगे। आ जाएंगे, एक मिनट रुक जा। अबे टेल आ गया यार। ए, ये हेड टेल करके तू कंफ्यूज क्यों करता रहता है यार, समझ में आता तुझे? इससे कोई अपने जीवन की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्या? अबे क्यों हमेशा ऐसी उल्टी सीधी बातें करता है? हुफ हुफ करके 100 बार फूंक चुका है, अभी तक 100 रुपए का कमीशन नहीं मिला है। हाँ भाई, भाई आइए भाई। हाँ भाई, आप गाड़ी को घुमा लो। ठीक है भाई। हाँ, तुम्हारे ग्रुप में मेन कौन है भाई? डायरेक्ट पार्टी है भाई। अच्छी तरह से जगह की इंक्वायरी की है ना? मैंने पहले ही 3 लोगों को जगह दिखा दिया है। हाँ भाई। हाँ मैडम, बोलिए, आपका काम हो जाएगा मैडम। बाकी सब कुछ मिलकर बताता हूँ। ठीक है, ये जगह तो नहीं है। अरे ये भी नहीं है, ये लोग भी ना, पत्थर को कहीं भी झाड़ के अंदर घुसा के काट देते हैं। ये पत्थर अच्छा दिख रहा है, पेंट भी किया हुआ है। ए योगी, ये पत्थर ओके यार? ठीक है, तू वहीं रुक। ठीक है, तू ले क्या?
हाँ ठीक है, मैं आपको आकर बताता हूँ मैडम। हाँ ठीक है मैडम, रखता हूँ। बहुत अच्छी कीमत है यहाँ की भाई, चार दिन पहले चार प्लॉट बिक गए। सिर्फ कमीशन ही 4 लाख आया है। 4 लाख आया है। हाँ भाई, ये जो पत्थर है ना, यही मार्क है, और जहाँ वो खड़ा है वो वही प्लॉट है। ये देखिए 49 और 50। हाँ, रोड पार करती तीसरे फ्लैट, कोई तकलीफ नहीं होगी। लेफ्ट में स्कूल, राइट में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मंदिर है, आगे थिएटर है। रजिस्ट्री का खर्चा एकदम कम हो जाएगा। आज रजिस्ट्री करेंगे तो 1 तोला सोना मुफ्त, 2 प्लॉट का 2 तोला। बाजू में चेस है। अरे चेस पता नहीं क्या आपको? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बहुत अच्छे तरीके से जा रहा है। इसे खरीदने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। वो अपना आम्स भी तो पीछे पड़ा है। अरे अंबानी, अरे वो तो पूरा ग्राउंड ही खरीदना चाहता था। अच्छा। लेकिन उसे आधा भी नहीं मिला। हाँ? क्या भाई आप इस तरह से देख रहे हैं? आज का दिन बहुत अच्छा है आपके लिए कि इतनी सस्ती जमीन मिल रही है। भाई वो जो पहाड़ दिख रहा है ना, उसे मानिक को बिचवाने वाला अपना भाई ही तो है, मिनिस्टर मानिक। उस पहाड़ को तोड़ के वो एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है। एक बार वहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया ना, तो इस जमीन पे आप कार पार्किंग बना के करोड़पति हो जाओगे भाई। इस जगह को बोलना भाई, सही कहना है योगी। हम लोगों पे विश्वास नहीं है क्या आपको? तो तू सच में इस पार्टी को जानता है क्या? क्या भाई, आप तो इस मामले में पुराने चावल हो। इस जगह के ऑनर का नाम क्या बताया तूने? तू बोलना यार। ऑनर का नाम साउंड अपन भाई। हाँ सही कह रहा है, सही कह रहा है। नहीं नहीं भाई, उसका नाम क्या है पता है क्या? साउंड अपन वेणुगोपाल स्वामी। क्या वेणुगोपाल स्वामी? वो कौन है भाई? अब ये कौन है भाई? वो कौन है पता है? कौन है? पता नहीं यार। कौन है ये वेणुगोपाल स्वामी? नहीं हूँ। क्यों रे, इतनी गर्मी में गाड़ी में पेट्रोल डालकर यहाँ तक आया और मेरा प्लॉट मुझे ही बेच रहे हो? तुम दोनों की इतनी हिम्मत, हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगा। आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना तुम लोग। चल गाड़ी निकाल रहे। अरे थोड़ा और पिला यार। बहुत बढ़िया। अरे तो आया नहीं यार। अज्जा तो अज्जा। अरे आठ में डांस देख रहा है। ये क्वार्टर है यार। यार भाई साहब चना ले लूँ क्या? थोड़ा सा जगह नहीं है। नहीं है उस तरफ जाओ ना। है लग रहे। एक बात बताऊं तुझे, अभी मुझे 90 और पीने। कांता को फोन कर। 90 पीने बोल के तू कंजूस को फोन लगा रहा है? कांता को फोन करना रे। उसके पास खुद एक टूटी फूटी कार है, हमेशा रोता रहता है। भाई मेरे पास कुछ 30 रुपए है, चाबी है। ये ले, बाकी का तू देख लेना भाई। देखना कोई बकरा होगा जाके उससे शेयर कर, जाके जल्दी लेके आ। हर काम के लिए मुझे ही भेजता है, ये अच्छी बात नहीं है। जाना ए, चल निकल यहाँ से। ए बोलो ना, तेरी माँ का निकल यहाँ से। माँ के सर बोल दूँगा। नाइन्टी शेयर कोई है क्या? नाइन्टी शेयर मुझे भी दारू दे। यहाँ पे आके कोई शेयर ऑटो को बुलाता है क्या? चल पार्टनरशिप करते हैं। हाँ, अरे वैसे चलता रहता है। हेलो, क्यों है तो मुझसे मांग रहा है? मेरी दो वाली वो बोतल वो भी बुरा बोलते हैं। इधर भाई, शराब ना हो तो मुझे होश ही नहीं आता पता। सही बोला भाई। अरे बोतल को संभाल के यार, ये मुझे दीजिए। तो टेंशन ना ले, मेरा भी हिस्सा है ना यार। इस शहर में सब चीज के लिए ब्रोकर आ गए, सिर्फ एक ही चीज के लिए नहीं आते। वो भी लेके आ गया। एक कबाड़ राजा पैक बराबर बनाया ना। है पूछ। शराब का एक उसूल हमेशा याद रखना, पानी कम से कम और शराब ज्यादा। चला वो तो अपन भी डाल सकते थे ना, इसके लिए बेवकूफ को क्यों रोका? और क्या तू बता। मैं तो क्या भाई, इतनी देर से डाल रहा हूँ, देखो मैं डालता हूँ। बस बस बस, अपना हाथ दीजिए, मैं अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। बस बस बस, बहुत हो गया, काम की बात करते हैं ना। क्या शाम? भाई शराब पीने के लिए औकात चाहिए होती है। क्या बात कर रहा है, ये मेरा फुल पीकर हाफ हो गया और वो हाफ पीकर फुल हो गया।
बात समझ में आई? आप ज्ञान देने में ज्ञानी बाबा। ठीक है यार, अब बहुत टाइम हो गया, अब मैं अपनी पेड़ वाली दुकान पे जाके वेनी का डांस उधारी में देख के आता हूँ, चलता हूँ। बाय। अबे सुन, तू मुझे यहाँ अकेले छोड़ के जा रहा है? मैं तुझे अकेला छोड़ के कहाँ जा रहा हूँ? ये है ना साहब, इनके साथ बैठ के एंजॉय करो। खुद को संभाल, मुझे बहुत चढ़ गई है भाई, पता क्या घर जाने के लिए ताकत नहीं है। चल, किसकी बात कर रहा है ये? देखना, अपने जैसे दो लोग आगे जा रहे हैं और मुझे लगता है इन्होंने भी पी है। हेलो, एक्सक्यूज मी, हेलो, मीट मिस्टर आदि आदम। ये कौन है भाई? आदि जमाने का आदम, आदि आदम। मुझे लगता मैं इससे पहले भी मिल चुका हूँ। शराब पीते वक्त देखा था आपने? हाँ देखा था ना, मेरे ऊपर बहुत जुल्म हुआ, मैं कहीं का भी नहीं रहा, मैं चाहकर कुछ नहीं कर सकता। वो दरिंदा मेरी बेटी को अपने घर पे बुला के अपने सामने नचवाता है, तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं कितना मजबूर हूँ? मैंने उससे कर्ज लिया था और ये सब मैं पैसे के लिए सह रहा हूँ। पैसे के लिए? कहते हैं पत्थर के अंदर भी दिल होता है, पर उस इंसान के अंदर दिल नाम की चीज ही नहीं है। बकवास मत कर, चुप हो जा। तुम्हें मेरी हालत का पता नहीं है, तुम मेरी जगह होते तो तुम्हें पता चलता, पैसों के बिना इंसान का कुछ नहीं हो सकता। ऊपर वाला ना करे, किसी को ये दिन देखना पड़े। पैसा ना हो तो समाज भी अच्छे से नहीं देखता। उससे कर्जा लेने के कारण मैं कितना जलील होता हूँ तुम सोच भी नहीं सकते। मन तो करता मर जाओ। मेरा रोना मेरी बेटियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे कोई जानबूझ के रोता है क्या? इसका कारण है वो दंडेश्वर, उसकी वजह से हमारी जिंदगी तबाह हो गई है दंडेश्वर। हम यहाँ क्यों खड़े हैं पता है? 90p के इज्जत का कचरा मत कर यार, मैं निकलता हूँ। मुझे मेरे घर तक छोड़ कर आ, सब मेरे घर तक छोड़ कर आ। यहाँ बारिश नहीं हो रही। बारिश बाहर हो रही है, हम घर के अंदर आ गए। अच्छा, घर के अंदर आ गए। वो घर में उसे कुछ खाने के लिए दो। इस वक्त भीख लेने के लिए भी कोई दरवाजा खोल के नहीं रखता है। पीना मेरी मजबूरी है। क्यों? एक दिन आप शराब नहीं पीते तो चैन नहीं मिलता ना आपको? यहाँ हम दोनों भूखे हैं, एक बार भी आपने नहीं सोचा? इस तरह शराब पीकर आप सब कुछ गवा बैठे हैं, और क्या क्या खोना पड़ेगा हमें? मैंने शेयर करके पी थी। क्यों इस तरह से रोज रोज पी के आ जाते हैं आप? क्यों? आपके इस तरह से शराब पीने की वजह से माँ ने अपनी जान दे दी, आप हमें भी मार दीजिए। तेरी बहन से मार खाए बिना मुझे नींद नहीं आती। क्या पापा, शराब पिए बिना भी तो नींद नहीं आती इन्हें। पापा तू क्यों आया मुझे पता है, खाना देने के लिए ना? कम इनसाइड, बैठ जाइए। क्या देख रही हो बेटी, इसे बिरयानी दो। बेफिक्र होके खाइए आप।
अरे शर्मा क्यों रहे हो, अपना ही घर है, चलो खाओ। अरे खाओ भी सही, शर्मा क्यों रहे हो? नहीं नहीं नहीं, चलो खाओ। लीजिए ना, खाइए। हाँ ले, हाँ खा। आप खाइए ना पापा। भाई आपको धनिया चाहिए क्या? देखा ना, तेरी औकात दिखा दी ना, मुझे प्याज चाहिए। आधा घंटा लेट हुआ तो तेरी लाश गिरेगी। अभी तो कटिंग किया था, और चाहिए क्या? एक घंटा लेट हुआ ना तो दुगना हो जाएगा। प्याज है एक घंटे का 500 रुपया, वापस आऊंगा, निकाल कर रखना। हाँ हाँ देखता हूँ यार, देखता हूँ, कुछ हो जाएगा तो करता हूँ। ये तू फोन रख, बाद में बात करता हूँ। क्यों आंटी, क्या हुआ? कल एक साथ ही देती हूँ। हमेशा ऐसे ही कहती हो, कल मुझे पूरे पैसे चाहिए। तू क्या देख रहा है, चल जल्दी से नोट निकाल। ये तो एक दिन के पैसे हुए, 4 दिन के पैसे निकाल। अपनी अम्मा को बोलना पैसे निकाल कर रखे, कल कोई बहाना नहीं चलेगा। धंधा शुरू नहीं हुआ कि ये आ गया। ए, ये बॉल तू लेकर आया ना? सूखा झींगा मछली लाने को बोला था। अभी तो यही है मेम साहब, आप एक बार खाकर तो देखिए, अच्छी है बहुत। चल चल उधर चलते हैं। नहीं ये नहीं चाहिए। अरे ये इधर देख। अरे आंटी ऐसी है, डांटती रहती। क्या है रे, दंडेश्वर है क्या? कब से देख रही हूँ तुम्हें, तुम्हारी खाल खींच के भूसा भर दूंगी मैं। भागो यहाँ से। चलो 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 यहाँ से। दंडेश्वर भाई किधर है? हाँ हाँ अंदर है। क्या हुआ सूरी? क्या है? सुना है तूने मार मार के ब्याज वसूला है? कलुआ बता रहा था मुझे तेरे घर पे 1 किलो मटन भेज दूंगी। क्या रे, मार्केट में किसी को भी पकड़ के मारेगा? क्या करें, पैसे देता ही नहीं है, एक लाफ आ दिए तब जाके कलाई उसे। चल चल। लक्ष्मी, तेरे माँ बाप ने बहुत अच्छे से पाला है तुझे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? पति को जो इतना प्यार करती है तू, हाँ कितने अच्छे संस्कार है तेरे, बस मुझे एक बच्चे की कमी खल रही है। ए, जायदाद और तेरा ख्याल रखने के लिए वो है क्या? घर बनाया मैंने और घर के अंदर नागिन बन के तू बैठी है मेरे पति के लिए। मेरा घर, मेरा पति और हक तू जताएगी? ए मोटी, ये श्री देवी है और तू? सुहाग रात के दिन जब तुझे छूने आया था तो क्या हुआ था, उसके बाद तुझे आज तक नहीं छुआ। बस बस बहुत हो गई रामायण, चल जा, गाँव वाले आए हैं तुझसे मिलने के लिए। ये ले रे। हाँ देख लो तुम लोग। हाँ ठीक है भाई। हाय हाय यार, हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग? ए बोल बच्चन, आज मैं देख कैसी बॉल डालता हूँ। चल ठीक है ला। हाँ। जाकर बॉल डाल देखता हूँ। तू एक ओवर तो टिक के बता। ए दंडेश्वर। हाँ? क्या है? वो इंस्पेक्टर बहुत उछल रहा है, पतंग नहीं उड़ाना है, ऐसा कोई कानून है क्या? जाके उसे समझा दे। ठीक है ठीक है, तू जा, मैं उसे देख लूंगा, गुस्सा मत कर यार, जा जा, ज्यादा गुस्सा मत कर। ए सुन, पतंग उड़ाने वाला अपना ही लड़का है, ज्यादा कुछ मत बोलना, ठीक है? तू तो आउट हो गया। हाँ डाल डाल। ऐसे मार पाएगा क्या? अभी देख कैसे मारता हूँ। अरे तू एक नंबर का बेवकूफ है यार। अरे तू ठीक से खेलना भी नहीं आता, कुछ नहीं कर सकता, बेवकूफ। कितनी बार कहा है, गेम सीख के आ कर।
अरे ठीक है चलना गेंडाल, देख अब की बार छक्का मारता हूँ, इस बार बॉल नहीं मिलने वाली है। कौन है वो? वही लड़की है भाई। क्या हुआ? फोटो उसके पास है, बोल रही है कोर्ट में जाएगी। जाकर पीतल के लोटे में पानी लेकर आ। लक्ष्मी तुझे बोला ना लाने के लिए, जा। चल जा, ला बैठ ला। ए चल डाल। अभी तू डाल, देख कैसे मारता हूँ मैं, चल। ए भाई, वो लोग आ रहे हैं ना? चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया होगा भाई। भाई आपके पास एड्रेस तो सही है ना? क्या तुम ऐसी बात कर रहे हो, भरोसा नहीं करेंगे तो डील टूट जाएगी ना। नहीं भाई, पुलिस के खिलाफ हम काम कर रहे हैं ना, इसीलिए भाई। पार्टी हमारे ऊपर विश्वास करके पैसे लेके आ रही है, आप संभाल लेना भाई। पार्टी को एक बार फोन करना। हाँ जी, हाँ जी, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ ब्रिज के नीचे हूँ, 13 नंबर पिलर के नीचे खड़ा हूँ। हाँ 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 हाँ, आइए आइए। बोला था ना इस जगह पे मत बुला, ये करली हेयर वाला सुना था क्या? अबे चुप रहना। ए अरे इसको बोला भाई। ए योगी, ऐसा आ गया यार। इस बार डील कंफर्म होनी चाहिए, इस बार कमीशन आना चाहिए। पहले डील तो होने दे। पास आ गए ये लोग। भाई सब ठीक है ना? सब ठीक है, तुम्हारी तरफ क्या हिसाब है? सब कुछ ठीक है भाई, डील हो जाए तो कमीशन जरूर दे देना। कितना कमीशन चाहिए तुझे? जितना पैसा उतना कमीशन, आपको बताया तो था मैंने, ये बताना। हाँ भाई, कुछ बड़ा अमाउंट करो ना भाई। चलो फोन ऑफ करो। हाँ ठीक है, कर देते। हाँ हाँ कर दो भाई। हाँ हाँ करते हैं। हाँ। मेरे फोन को खराब हुआ बहुत दिन। चलिए भाई आइए, चलिए। हाँ, आ जाओ आ जाओ। अरे यार तुम इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हो? क्या भाई, कहाँ से ज्यादा है? अगर ये जमीन शहर में होती ना तो इसकी कीमत कुछ और होती। सच बताऊँ, बहुत जल्दी ये जमीन भी शहर में बदल जाएगी। बहुत अच्छा मौका है, एक साथ सारी जमीन खरीद लीजिए, उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके बेच दीजिएगा, आप भी बहुत बड़े बिल्डर बन जाएंगे। समझाना यार, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, अगर ये डील कर ली ना भाई तो रातों रात माला माल हो जाओगे। बोल ना भाई। ठीक है टाइम वेस्ट मत करिए, चलिए। सही का? हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं ना। हो जाए। ए, आराम से खींच यार, कहीं टूट ना जाए। अबे तू मुंह बंद कर। ये लीजिए, अपने हाथों से दे दो भाई। आगे आगे, आराम से। पैसे हाथ आ गए, अब अपनी डील ओके हो गई भाई, है ना? अब हमारा जो कमीशन बन रहा है हमें दीजिए, हम भी यहाँ से निकल जाते हैं। चलते हैं। आप अरे खाना बनाने वाली रही है, अरे वो हमें बेवकूफ बना के भाग गए। अरे पकड़ो। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम लोगों ने मुझे ठगा। अरे कसम, मेरे साथ चीटिंग की है। ये गोल्डन बैटरी ही है, ऐसा सोच के बिजनेस में डील किया था। खाना बनाने भाई, वाला निकल ले यहाँ से। अरे अरे अरे, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया भाई। मैं 90 पी के भी टल्ली हो जाता हूँ,
वाटर पिला दिया तो उठ नहीं पाऊंगा, सवारी आने के पहले ही पिला दिया यार। अबे तो कोई हीरो है क्या, सुनते ही टल्ली हो जाता है, सवारी तो आती जाती रहेगी, तू इसे पी। ये क्या है भाई? हे यार, मुझे लग रहा है अपनी फील्डिंग लगा दी गई है, अननोन नंबर से कॉल है, लगता है कोई फॉलो कर रहा है हमें। क्या करते हैं? स्विच ऑफ करना सबसे अच्छा रहेगा। हेलो सर, मैं अपने फ्रेंड को भेजू क्या सर? बहुत विश्वासी आदमी है। ओके सर। भाई ये सवारी बहुत इम्पोर्टेंट है, तू उसे ले जाना यार, मैं तुझे क्वार्टर पिलाऊंगा। सिर्फ सुनने पे तेरी ये हालत हो गई। ये क्या भाई, एड्रेस कहाँ का है?
जन्म मरण सब हाथ तेरे आस पास तू साथ मेरे मन मेरा खोता जाए दिल मेरा गो दिखाए तू जो भी सोचे वो मैं वो कैसे करूं था मेरा डांस कमल कीचड़ में ही खिलता है लेकिन फिर भी पवित्र होता है और देवी को चढ़ता है बहुत अच्छा लगा गाड़ी को जरा रोकोगे प्लीज मेरे लिए भरतनाट्यम ही मेरी जान है लेकिन अब तो सुनते ही मेरा बदन जलने लगता है पैसे के कारण इंसान के सामने नाचने के लिए मजबूर हो गई हूँ क्योंकि मेरे पापा ने शराब के नशे में दस्तखत करके जो गलती की है उसकी वजह से हमारा घर छीन रहा है डंडेश्वर चुपचाप दस्तखत कर टेढ़ी उंगली से भी घी निकालना आता है मुझे दस्तखत कर बहुत अच्छे घर में पली बड़ी मेरी माँ इस बात को सह नहीं पाई तेरे लिए तेरी बीवी जिंदगी होगी और मेरे लिए मेरा ब्याज ऐसा तो ब्याज के बदले बीवी दे दे और नहीं तो अपना घर जब कोई घर पे नहीं था तब उसने माँ के साथ अरे छोड़ो मुझे छोड़ो कह रही हूँ उतारो मुझे छोड़ो उस दिन की खींची हुई फोटो रखकर हम लोगों को धमकी देकर मुझे नाचने बुलाता है मैंने मना भी किया और उस दिन के बाद मुझे पसंद करने वाले लोग भी मुझे हैवानियत की नजर से देखने लगे और इतना सब होने के बाद भी मेरे अंदर के जज्बात मरे नहीं मेरे दिल में आज भी प्यार है और ये मैं सिर्फ तुम्हारे जरिए जान पाई पापा के गुजरने के बाद आज मुझे बहुत दुख हुआ है और अगर ऐसा लग रहा है तो तुम्हें रो लेना चाहिए रो लेने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा Thank you.
ये बहुत शांत बैठा है, यहाँ पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, फंस गया ये। नमस्ते भाई, दो चाय। अरे भाई, या क्या? अरे दो चाय और दो वड़ा मिलेगा क्या? फोकट में चाहिए क्या? पुराने पैसे तो निकालो। देख यार, दो चाय के लिए कितना जलील कर रहे हैं ये लोग। ये पैसा किसने बनाया यार? सारी फसाद की जड़ यही है। सही कहा यार, पता नहीं है अमीर लोग इतने पैसे अपने पास रखकर करेंगे क्या, समझ नहीं आता। जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास है बहुत ज्यादा है। बात तो तू सही कह रहा है। हेलो, अरे दो चाय तो बोल के जाना। हाँ, कौन है तू? क्या कहा भूत? अबे 420 का काम कर रहा है तू? भाई भाई सुनना, रख फोन। अरे भाई, हेलो, बिरयानी खाने आओगे क्या? ए योगी, ए, अरे उसने सिग्नल दिया है क्या? लड़की ने फोन किया नहीं कि जनाब उठ के भाग चले, रिचार्ज करने की औकात नहीं और प्यार करने जा रहा है। एक तो चला गया, एक चाय उधारी मिलेगी क्या? टीचर, टीचर, हमें वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? यहाँ देखिए, चार नर और तीन मादा किस तरह अपने कुनबे की रक्षा कर रहे हैं। बिरयानी, तुम्हें देखने का मन कर रहा था। सर, लेट क्यों हुआ? सॉरी सर, कृष्णा मिठाई वाले से गुलाब जामुन लेकर आए हूँ, इसलिए लेट हो गया। वेरी गुड, आज के बाद अगर लेट हुआ और स्वीट्स के साथ आया ना, ये क्या बोलता गुलाब जामुन और लेकर रसगुल्ले आया? सर ये गुलाब जामुन ही है सर। गुलाब जामुन और रसगुल्ले का फर्क तुझे पता नहीं है क्या? तुझे यहाँ नौकरी किसने दी और अभी ये मिठाई क्यों लेके आया? सर मेरे पास बचा हुआ था सर। वेरी गुड, बच्चे भी खिलाएगा सर? पुलिस वालों को काम ही शक करना है। बच्चा कैसा दिखता है, तेरे जैसा है तेरी बीवी के जैसा? मेरे बीवी की जैसी है सर। लड़कों पे माँ की शक्ल आती है और लड़कियों पे बाप की शक्ल आती है, तो जरा सोच ले क्या है। एसपी ऑफिस से फाइल आई है सर। ईश्वरन कहाँ है? इंक्वायरी कर रहे हैं सर। व्हाट्स हैपनिंग ईश्वरन? सर मुझसे नहीं हो रहा है, टॉर्चर कर रहे हैं सर। कल संडे है, कोर्ट का दिया हुआ टाइम खत्म हो रहा है, अखबार वाले बेइज्जती कर रहे हैं, एक अपराधी और चार मासूम लोग हैं। तुम लोगों के भरोसे अगर बैठा रहा तो मेरा सर पकड़ लूंगा मैं। सर सारे के सारे लोग चलाक हैं, मेरे सवाल करने पर उनका जवाब ऐसा रहता है जैसे वो मुझसे सवाल पूछ रहे हो। कम विद मी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं अभी आती हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, इन पांचों लोगों का बीपी चेक कर लीजिए। ओके सर। Okay,
तीन लोगों का नॉर्मल है सर, और दो लोगों में एक हाई एक लो। थैंक्स मैम। ओके सर। इन तीनों को बाहर भेज दो। सर सच में भेज दें क्या? ईश्वरन, अगर कोई पुलिस स्टेशन में कदम रखता है और मासूम होगा और फंस गया तो उसका बीपी बढ़ जाएगा। आर्टिस्ट का तो कैसे बच रहा है ये सोचकर उसका बीपी हाई होगा। बाकी के चोर नहीं है तो इन्हें जाने दो। चलो जाओ। तुम दोनों में से एक गुनहगार है और एक बेगुनाह। वो बेगुनाह कौन है वो अभी पता चल जाएगा, क्योंकि वो अपने काम में ध्यान देगा, क्योंकि उसके बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे ना। सर किस वजह से वो लोग लेकर आए कुछ पता नहीं है सर, मुझे छोड़ दीजिए सर। सर जब मैं इंटरनेट पे गया था तो एक आदमी बिना साइन आउट किया था, उसमें से एक लड़की की फोटो निकाल के उसके नंबर पे कॉल करके देखा तो वो ISD नंबर था सर। मैंने उस नंबर पे कॉल भी किया था, उनकी एक टीम इंडिया भी आई थी, सोचा था ये ट्रस्ट के लोग हैं इसलिए मैंने उनकी मदद भी की थी सर। बाकी मुझे कुछ नहीं पता है सर, लालच में आकर मैंने ऐसा कर दिया। मैं बेगुनाह हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ईश्वरन इसे अंदर डाल दो और उसे जाने दो। सर जो बेगुनाह होते हैं उनके पास एक ही कारण होता है, और एक चालाक क्रिमिनल बचने के लिए बहुत सारे रीजन सोच के रखता है। तो निकल यहां से। सर सुपर वर्क सर। इट्स ओके, कैरी ऑन। थैंक यू सर। अरे ऐसे मैं एडवांस में दे दूंगी, रोज का नाटक है, अब तेरा नाटक नहीं चलेगा, बहुत हो गया, समझ गई? तेरा बेटा रोज आवारा गर्दी करता है और तू नाटक करती है। गलत परिवार चल रहा है, इसे लेके मत जाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, छोड़। तू भगोया कैसे हो? तेरी हिम्मत कैसे है? तुझे तो मत मत छोड़। बहाने बनाता है तो बहुत उड़ रहा है, एक तो धारी लेता है ऊपर से दादागिरी कर रहा है, बहुत हो गया। आज मैं तेरा फैसला करके दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तू उसके यहाँ काम करता है ना, चाहे कुछ भी हो जाए। पैसे वापस कर दीजिए, औकात से तो लेता क्यों है? बहुत हो गया तेरा, समझा था तू? ऐसे छोड़ दूंगा तुझे, बता। बहुत हो गया तेरा, अब नहीं सहेंगे हम। बहुत हो गया तेरा नाटक, अपनी बीवी को तूने उसके पास छोड़ा है ना। देख लूंगा थोड़ी देर में, मैं तेरा क्या करता हूँ देख लेना। क्या हो गया है तुझे, क्यों इतना झगड़ा कर रहा है? यहाँ पर धंधा कैसे करेंगे हम? इसे डरने वाले नहीं है माँ, इसको जो मर्जी वो कर ले। कहाँ जा रहा है तू? तुम जाओ ना। अब मैं तुझे चैन से सोने नहीं दूंगा। अरे ए, मेरे पति को मेरे ही आंखों के सामने मार रहा है तू, और मैं ऐसे देखते रहूंगी क्या? ए, खत्म कर दो इसे। ए, मर्द हो तो एक एक लड़ने के लिए आओ, तेरे लिए तो मैं ही काफी हूँ। ए, इसे खत्म कर दो।
हिम्मत है तो बाहर आ। जितना ऐश करना है कर ले, बहुत हो गया तेरा नाटक। सुनो ना, बिरयानी की दुकान पे चलें क्या? क्यों? चल के आराम से बैठ के खाएंगे ना। ये तो मुझे कहना चाहिए। अच्छा तो हम जा कहाँ रहे हैं? हम वहीं जा रहे हैं ना। सरप्राइज है हा? बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश है, इसीलिए। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? अपने मनपसंद इंसान के साथ एक पिज्जा खाने का। चलो फिर खाते हैं ना। गाड़ी मैं चलाता हूँ। आप तो ब्रेक मारोगे ना। ये क्या कहानियाँ बता रहे हो, गाड़ी चलाएंगे तो ब्रेक तो लगानी ही पड़ेगी। Order, इसको तुम अपने पास ही रखो। वो जो वहां वो लोग खा रहे हैं ना, और वहां वो लोग खा रहे हैं, वो लेके आओ। थैंक यू सर। मैं पहले से ज्यादा खुश नजर आ रही हूँ, मेरी बहन बोल रही थी। मैं पहले से ज्यादा डिसेंट हो गया हूँ, मेरी माँ कहती है। मैंने जिसके लिए आंसू बहाए वो मुझे छोड़कर चला गया, तुम्हें पता है। अब ये सब बातें करने से कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ। अब जो है उसके साथ खुश रहो। बहुत सालों के बाद मैंने अपने आप को ठीक से देखा है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सर, योर ऑर्डर। थैंक यू। चलती फिल्म में एडवर्टाइज की तरह आ रहा है। मुझे नहीं चाहिए, हम चले क्या? क्यों, क्या हुआ? खाना खाने के लिए शर्म आ रही है। मंगाया तो तुमने ही था। मंगाया था लेकिन अभी अजीब लग रहा है। आप इन्हें पैसे देकर आओ, मैं बाहर वेट करती हूँ। यहाँ मुझे लेके क्यों आई? बताती हूँ, ये लीजिए गाड़ी चलाइए। लेकिन ब्रेक? ब्रेक मारे बिना गाड़ी कैसे चला सकते हैं? जियो 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 पम 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 पम। नीला नीला बादल मिलना जो चाहे है, नीला नीला बादल मिलना जो चाहे। मन मेरा हर पल यार ढूंढे तुझे हर पल यार। मिला जो तू यारा सबसे तू प्यारा, मिला जो तू यारा सबसे तू प्यारा। तू ही मेरा सब कुछ यार, अरे ओ तू ही तो है मेरा प्यार। आ मेरी गली दे मुझको ताली, साथ हम चले बनके हम जोली। पम 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 पम। ये दिल मेरा तुझ पे ही आए है रे, तू ही मेरे दिल को ही भाए है रे।
मुझको तू सबसे ही प्यारा है। ए राती ना कटे मेरी यारा वे, जीना है तेरे संग यारा वे। आ मिलके हम ये पल बाटे, जितनी है खुशी सब मिल बाटे। पहनाऊं तुझे वरमाला क्या तूने कर डाला, तूने जो है माना जिया ये डोले। सुन ले मेरी ओ यारा तू ही मेरा दिलदारा, तूने जो मुझे माना है जिया मेरा डोल। नीला नीला बागे नीला बागे होले होले। संग में तू चल मेरे ओ मेरी प्यारी, यूं ही चलेगी अपनी यारी। सबसे प्यारी लगे मुझे तेरी यारी, दुनिया तेरे संग दिखे है प्यारी। रुक जाना कहाँ चली है रे, पास मेरे आजा क्यों जला रही है रे। डुम 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 पिप पिप पि डुम 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 पिप पिप पि, मैं जो तेरे साथ रहूं जिया ये डोले। बम 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 मारम्बा बम 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 मारम्बा, मैं जो तेरे पास रहूं जिया जिया डोले। नीला नीला बादल मिलना जो चाहे है, नीला नीला बादल मिलना जो चाहे। मन मेरा हर पल यार ढूंढे तुझे हर पल यार। मिला जो तू यारा सबसे तू प्यारा, मिला जो तू यारा सबसे तू प्यारा। तू ही मेरा सब कुछ यार, अरे ओ तू ही तो है मेरा प्यार। आ मेरी गली दे मुझको ताली, साथ हम चले बनके हम जोली। पम 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 पम। गाड़ी में बैठिए, आपके नाम का वारंट है। क्यों सर, मैंने किया क्या है? मैडम आप जाइए, चलो अरेस्ट। यस सर। तुम घर जाओ, मैं बाहर। चलो तुम चलो चलो आप जाइए मैडम। तू क्या कहना चाहता है? सर मैंने बताया तो आपको, उस आदमी की ही सारी गलती है। वो गरीबों को पैसे देके उनसे ब्याज लेता है, ये तो गलत बात है ना सर। अब आप ही बताइए। तूने सूर्य उसके आदमी को जान से मारने की कोशिश की और अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहा है, पिटेगा तब बताएगा। उसने मेरी माँ के साथ गलत किया सर, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो उसे मारेगा? मैं वहां अकेला था सर, वो लोग 8 आदमी थे, मैं भी मार खाया हूँ सर। तो कंप्लेंट क्यों नहीं की सर? यही कानून का तरीका है। सच कहा सर, जो खून करता है वो खुलेआम रोड पे घूमता रहता है, लेकिन पुलिस कुछ नहीं करती। ऐसी है क्या पुलिस? तेरे और उसके बीच में अंतर क्या है वो पता है? सोसाइटी में अच्छे स्टेटस और बिना स्टेटस वालों का अंतर भी तुझे पता है। वो लोग कानून और उसको इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं, और तुम कानून के बारे में कुछ नहीं जानते।
यहाँ पर कानूनी सब कुछ है। ए, इसको भी एक चाय दे। नहीं सर, मैं तो पुलिस स्टेशन में पानी तक नहीं पीता हूँ। मैं इस एरिया का पुलिस कमिश्नर बोल रहा हूँ। क्या? तुम्हारी जान खतरे में है। अरे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, तुम अपने घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारी जान खतरे में है। अरे बोलना, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तुम मरने वाले हो। हेलो, मैं बता रहा हूँ तुम मरने वाले हो। रखना, सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हुआ? थोड़े से पैसे चाहिए, मैं कल आकर डांस करूंगी। हाँ, तेरा डांस तो रोज ही देखता था मैं। तू क्यों पूछ रही है? मुझे अच्छी तरह पता है, कुछ नहीं मिलेगा, जा। ए, चाहे कुछ भी हो जाए तू मेरे करीब रहेगी, अगर मुझे छोड़ के कहीं गई तो जान से मार दूंगा। आजा बैठ जा, मैंने रेडी कर दिए। झगड़ा मत करो तुम। अब बताओ क्या होगा, कैसे काम चलेगा? मैं हूं ना। इस तरह से झगड़ा मत किया करो। करती हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या हो गया? नहीं, पैसे लेके क्या? आप रोइए मत सर, आप तो अपनी फीस लेके भाग जाएंगे। लड़का बाहर आएगा ना, तभी बाकी के पैसे दूंगा, ठीक है ना? कुछ नहीं होगा, वकील आ गए ना। मैं सब देख लूंगा, जाओ। माँ, वकील लेके आ जाएंगे, आप इधर ही बैठो। मैं तो एकदम आराम से सो रही थी सर, उसके बाद मैंने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनी। फिर? हाँ, और जब मैं उठी, उठ के बाहर गई तो मैंने देखा कि दो गुंडे लोग हाँ, सर, चोरी करके भाग रहे थे। अच्छा, वो दोनों एक बाइक पर थे सर। गाड़ी हो गया ना सर? तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं है। इसने कुछ खाया नहीं? रेड कलर की बाइक थी सर। इसे कुछ खिलाकर फिर ले जाओ। उसके आगे सर आपकी मेहरबानी होगी सर, जल्दी से उन दोनों को पकड़ लीजिए। ठीक है, ठीक है। उन्होंने पूरे मोहल्ले को परेशान करके रखा है। एक मिनट रुको। जगह जगह चोरियां करते रहते हैं, हम बहुत परेशान हैं सर। हाँ, पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, मैंने अगर कभी देखा तो मैं उन्हें पहचान लूँ। सर, राइटर कौन है सर? सर, मार्केट में मेरी माँ ठेला लगा के सब्जियां बेचा करती है। मेरी माँ ने दंडेश्वर नाम के एक आदमी से 30,000 रुपए कर्ज लिए हैं। उन्होंने मेरी माँ को धोखा देकर स्टैम्प पेपर पे पैसे ज्यादा लिखवा लिए हैं। इस वजह से वो हमसे ब्याज भी ज्यादा लेते हैं और वो रोज गुंडों को भेजकर मार्केट में मार पीट करता है। ज्यादा ब्याज लेने वाले दंडेश्वर को कानून के हिसाब से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर, उम्मीद करता हूँ कि कानून साथ देगा। आपका योगी। सर, मुझे कानून पे विश्वास है, इसीलिए कंप्लेन किया हूं कि मुझे इंसाफ मिल जाएगा। चाहिए तो इसकी एक कॉपी लेकर जाओ। ठीक है सर। मेरा राजा तो आ गया, वो सब अमीर लोग हैं बेटा, हम उन लोगों से झगड़ा करेंगे तो कैसे जी पाएंगे? ओके, इस तरह रोज पुलिस थाना होगा तो हमारा घर कैसे चलेगा? बोल। बाकी के पैसे, ठीक है ना? कमजोर हो गया है तू, लगता है ठीक से खाना भी नहीं मिला। मैं तेरा कितना ख्याल रखती थी। इतनी देर से आप उससे बातें कर रही हो, वो कितना भूखा होगा, पहले उसे कुछ खाना तो दो। शांत हो जाओ। माँ, चुप हो जाओ ना, रो रो के पूरा गांव इकट्ठा करोगी। माँ, इन्हें भूख लगी होगी। माँ, बाकी बातें बाद में करो। तुम एकदम अपने टाइप की लड़की हो, एकदम सही कहा तुमने। चल बेटा, माँ को घर छोड़ कर आ। माँ, जाके गाड़ी पे बैठो। आ जा माँ, बैठो, बैठ जाओ। सुनो, संभाल के लेके जाना माँ को, संभाल के जाना माँ। उसके लिए ब्याज कौन देगा? ब्याज का हम बाद में देख लेंगे। हमारे घर में पुलिस की गाड़ी? क्या इंस्पेक्टर, तुम्हारे किसी ने कंप्लेंट की है? मेरी कंप्लेंट? कौन है वो हिम्मत वाला?
पुलिस स्टेशन चलना होगा, इंक्वायरी करनी है मुझे। जाने में कोई दिक्कत नहीं इंस्पेक्टर, दुनिया की सारी बीमारी मेरे अंदर ही है। विश्वास कीजिए बहुत तकलीफ है, हर घंटे में टॉयलेट जाना पड़ता है, पाइल्स की बीमारी है, 2 घंटे में एक बार जाना पड़ेगा। दिन में 5 बार इंजेक्शन लगवाता हूँ, 10 बार टेबलेट खाता हूँ, बीपी सुबह हाई रहती है शाम को लो हो जाती है, इसलिए तकलीफ लिए बिना यहाँ पर कंप्लेंट है कि तुम जबरदस्ती ब्याज वसूलते हो। ब्याज लेने के लिए पैसा देना चाहिए ना, मैं तो किसी को पैसा दिया ही नहीं। तू नाटक मत कर, बिना पैसे दिए ही ब्याज मांगने आता है। ए, मैं बात कर रहा हूँ ना, बीच में मत आ तू। मैं और मेरी बीबी रूखा सूखा खाकर किसी तरह जिंदगी बिता रहे हैं सर, मैं ब्याज के पैसे कहाँ से दूंगा सर? मार्केट में चल के पूछताछ कीजिए सर, गाँव में सब बताएंगे। ठीक है, ब्याज पे पैसे दिए कोई प्रूफ है क्या? सर इसने हमें कर्ज में दिए हैं 30,000 रुपए और लिखवाया है 60,000 रुपए। उसका प्रूफ है क्या? पूरी दुनिया को पता है सर, प्रूफ क्यों चाहिए? इनकी वसूली का वीडियो निकाल के देना पड़ेगा मुझे लगता है। वो सब मुझे नहीं पता, प्रूफ है कि नहीं ये बताओ। नहीं सर, बिना प्रूफ के किसी पे कोई एक्शन नहीं ले सकते हम। चलो सब लोग चलो। इंस्पेक्टर इतनी देर तक आपने मेरा टाइम वेस्ट किया, चाय पीने के लिए चिल्लर तो देखे जाओ। चिल्लर मांगा तो बड़ा पाव के लिए पैसे दे रहे हो। अपना ध्यान रखना। गांव में बहुत से लोग मुझसे ब्याज पर पैसे लिए हैं, कोई भी मेरे सामने सर उठाकर बात नहीं कर सकता, और ना ही मेरे खिलाफ कोई पुलिस स्टेशन गया, और मेरे घर के सामने ये 3 पुलिस वाले आकर धमकी देकर चले गए। मार्केट में 10-5 रुपए मांगने वाले ये भिखारी मुझे आज धमकी देकर चले गए। हाँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक मैं उन्हें मार नहीं देता मेरे कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। ए, ए, अरे कैसा इंसान है तू? इससे बेहतर तू जहर पी लेता तो अच्छा होता, इतना क्यों गुस्सा करता है तू? ऐसा किस बात का गुस्सा? मैंने तुझसे उसी दिन कहा था, मेहनत करके कमाए हुए पैसे को ब्यूटी पार्लर के ऊपर खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अभी वो पैसा अपने पास होता तो कैमरा वाला मोबाइल खरीद के उसका वीडियो प्रूफ बना के सबूत के तौर पर पेश करते। इसीलिए बोलता हूँ कि मेरी बात माना कर, तू समझा? पहले मिर्ची वाली चटनी खाना कम कर, तभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। मेरे लिए भी बचाना। ए, ए, सुनना, अरे रुकना यार, डंडेश्वर इस मामले में नहीं तो किसी और मामले में फंसेगा यार, शराब पी के मूड खराब नहीं करते। आ चल 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 चल। ए, तुझे ही थूकना आता क्या? मुझे भी थूकना आता है। तुम्हारी उम्र के लड़कों को नौकरी करनी चाहिए, क्यों पीते रहते हो? सुनिए, पैसे दीजिए, मॉडल खरीदनी है। मैं खुद ब्याज पे पैसे लेके ये धंधा कर रही हूँ, मेरे पास पैसे कहाँ से रहेंगे? बता, अपना मुंह बंद रखिए। बुड्ढी, तू मेहनत करके कमाएगी तभी तो हम वाइन शॉप की तरफ जाएंगे ना, है ना भाई? गहरे खड्डे में गिरे हुए बच्चे को निकालने में फायर ब्रिगेड वाले हुए नाकाम। अबे क्या बकवास न्यूज़ सुना रहा है यार? तमिलनाडु की महिलाओं ने रचा इतिहास। इस बात में कुछ दम लगता है भाई? माओवादियों ने कलेक्टर का अपहरण किया। अबे ये तो बहुत मामूली बात है। इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई, इसको मामूली बात कहते हो? तुझे ये बात पता नहीं है क्या? ये आदमी ना घर का बच्चा कुचा बासी चावल खा के ही जिंदगी जी रहा है। क्या? 3 पति को रखने वाली कुमदी इसे अपना 4था पति बना के रखी हुई है। अरे रे, ये जब अपनी पत्नी का ख्याल नहीं रखता था तो इसका पड़ोसी इसकी पत्नी को लेके भाग गया। इसे खुद अपनी कोई फिकर नहीं है, फिर तू इसकी बातें क्यों कर रहा है यार? अपना टाइम खराब कर रहा है तू, अच्छी बातें करना। देख भाई, उसी दिन तुझसे बोला था ना कि ऐसी बातें मत क्या कर। किसकी बात कर रहा है तू? वो तेरी पड़ोसन की औलाद है ना, वो अमेरिका वाला कदरेशन का बेटा है ना वो। इज्जत से यहाँ से चला जा, अगर फिर से तू इस तरह से पैंट शर्ट में दिखाना तो तुझे नंगा करके भगा दूंगा। चल निकल यहाँ से, तो बाद में देखता हूँ। तुझे क्या चाहिए भाई? पैसे देना। वेलू भाई, एक बात बोलूंगा तो अब नाराज तो नहीं होगे? बोल। हमेशा सड़ा हुआ फल खा के भगवान की आराधना नहीं करनी चाहिए। तो फिर क्या करूं मैं? कल सुबह नहा के सीधा आईने के सामने जाके खड़ा हो जाना, सब कुछ समझ में आ जाएगा।
अबे किसे बेवकूफ बना रहा तू? चल 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 चल, बड़ा आया है वो, ऐसा ही उसको छोड़ यार। ये भी ना जिसके फोन में बैलेंस नहीं उससे बात करता रहता है। ठीक है यार, तेरे पास बैलेंस है ना? अरे यार अभी एक कस्टमर को लेने जाना है। पैसेंजर पैसेंजर करके अगर बहाना बना के गया ना तो तेरी बैंड बजा दूंगा। बोलना यार, बहुत परेशान हूँ यार। धंधा आजकल बहुत डाउन चल रहा है, किसी से बात करने का मूड ही नहीं कर रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, कोई भी डील फाइनल होती ही नहीं है। चल ठीक है यार। अच्छा सुन ना, वो प्रिंट कर सकते हैं क्या? अरे वो तिरछी में आदि है ना, जरा उससे पूछ के देख। और हाँ एक काम करना, उससे पूछना कि एक प्रिंट का कितना होता है। हाँ 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 ठीक है ठीक। चल ठीक है बाय। क्या सूरी, गुस्सा कम हो गया क्या तेरा? अभी तक मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ है। जब तक तेरा गुस्सा कम नहीं होता इसको मार भाई। मेरा मुंह क्या देख रहा है, मार इसे। सच में मारूं भाई? अरे मैंने कहा है तुझे, मार इसे। अब तू क्या करेगा भाई? क्या योगी आपको मारने आया था, मैं बीच में आया तो उसने मेरी ये हालत कर दी, थाने में जाकर यही कंप्लेंट करनी है। ये ले और जाए यहाँ से। ए तू भी ले। अच्छा मारा उसे, अभी तो खुश है ना? उसके घर पे एक बंडल भेज दे। हाँ चल खा ले। तुमसे मैं एक बात करना चाहता हूँ, दुनिया का सबसे भाग्यशाली मैं ही हूँ। आप रेस्ट करो, बैठो ना। क्यों, थोड़ी देर पहले तो उठ भी नहीं पा रहे थे और अभी रोमांटिक लुक दे रहे हो। पिछले जन्म में तुमने कोई पाप किया होगा तभी मैं तुम्हें मिला। आप? मैंने तो पुण्य किया होगा। कैसे? तभी तो तुम मुझे मिली हो। छी। इस तरह घूरने का क्या मतलब है? जिसके पास पैसे नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है सर। पैसा ही प्रूफ है, और अगर ऐसा प्रूफ हो तो कोई भी सेक्शन चेंज किया जा सकता है, उसी वजह से तेरे खिलाफ कंप्लेंट फाइल हुई है। अब असल बात क्या है वो तू ही बता। सर कानून और गवाह जो कर रहा है वही करिए। इधर आ।
ये चाय नहीं पीता ले जा। पर तुम लोग सर, कब तक ऐसी जिंदगी जियोगे? कोई अच्छा काम क्यों नहीं करते हो? बार बार अच्छा लगता है ऐसे मार खाना? कब तक आते रहोगे यहाँ पर? लंबा जाओगे तब अकल आएगी तुम लोगों को। दोबारा मैं तुम्हारा मुंह नहीं देखना चाहता। चलो यहाँ साइन करो। हाँ चलो भाई साइन करो। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बीच रास्ते में ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? पापा हम लोग समझते नहीं। पापा क्यों जमानत पर छुड़ा कर ला रही हो? हमने उस लड़के की मदद की तो क्या गलत किया? तुम लोगों का बस चले तो हमें जिंदा गाड़ दो, वही हमारे लिए सब कुछ है। इसीलिए वो दोनों बहनों को सहारा दे रहा है लगता है। और यही तुम्हारी औकात है। तुझसे भी बड़ा शेर इस दुनिया में है। जिस दिन वो आया ना तो तू बचेगा नहीं। भाई तूने इसके ऊपर हाथ कैसे उठाए रे? मैं मार सकता हूँ या मेरी बीबी मार सकती है, तू कैसे मार सकता है? हमारे ऊपर रहम करो। ए उधर हट। क्योरी मेरे पैसे पे पलकर मेरे ही आगे शेर बनती है? छो क्योरी तेरे माँ बाप और तेरे साथ जो हुआ वो भूल गई क्या? मैं तुम्हारे आगे भीख मांगती हूँ, मेरी माँ के बारे में ऐसा मत कहो। ए मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ, जानती है ना तू ये बात? मैं अपने पति को खुश इसलिए रखती हूँ ताकि उनकी जवानी इसी तरह बनी रहे, इसीलिए तुझे उनके साथ सोना पड़ेगा। कल रात को तू मेरे घर पर आ जाना। आ जाऊंगी। अगर तू कल मेरे घर नहीं आई ना तो तेरे घर वालों की और उसके घर वालों की लाशें बिछा दूंगा, समझी क्या? तुमने हाँ क्यों कहा बेटी? मैंने मंगलसूत्र नहीं पहनाया और ना ही कोई अंगूठी पहनाई, लेकिन फिर भी तुम मेरी बीवी हो। तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें जरा भी शर्म आती है या नहीं? नाचने गई थी तब शर्म नहीं आई, अभी क्यों आएगी? मैं जो पूछ रहा हूँ इसलिए तुम्हें गुस्सा आ रहा है? आपसे प्यार है इसीलिए ऐसा कर रही हूँ, मेरी बात समझो, मुझे आपकी जिंदगी चाहिए। तो? मैं जा रही हूँ, अगर मुझसे नहीं मिलते तो जीते नहीं क्या? मैं अभी तो एक इंसान हूँ, मुझे फीलिंग आ गई तो क्या हुआ? हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता। अगर मैं मर गई तो आप रोओगे ना? आंसू तो आएंगे ना आपको? वो लोग कानून और उसको इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं, और तुम कानून के बारे में कुछ नहीं जानते। यहाँ पर कानून ही सब कुछ है। हम तो जिंदगी जी रहे हैं बस ब्याज भरने के लिए, खुद के लिए नहीं। आज मैं उस दंडेश्वर को खत्म कर दूंगा। Thank you.
जैसी लड़की को देखने में ही सुख मिलता है। मैं इसके साथ शादी करके जिंदगी बिताने वाला था, हाँ।
तुम कभी कभी मजबूरी की वजह से हमारे यहाँ नाचने के लिए आती थी और मैंने ये शादी सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए की। ये इंसान तो पैसों के पीछे पागल था। अब किसी और की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तुम दोनों चैन से जियो। जाओ जियो अपनी जिंदगी। जाओ तुमसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। तुम्हारा नाम क्या है? ये कैसा सवाल कर रहे हो आप? जरा सोच कर देखो, तुमने कभी अपना नाम नहीं बताया मुझे। भूमिका।